इंडियन नेशनल लोकदल से अलग हुए नेता दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा अभय चौटाला को अपने भाई दुष्यंत चौटाला के सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि नई पार्टी के गठन के ऐलान के बाद उनके रास्ते अलग हो गए हैं, अब अभय चौटाला को उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी के आम आदमी पार्टी से गठबंधन की चर्चाओं पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी के औपचारिक गठन से पहले ऐसी किसी भी चर्चा का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में बहुत कम समय बचा है और उनके पास पूरे राज्य में संगठन को खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। आइए सुनते हैं दिग्विजय चौटाला किस अंदाज में बात कर रहे हैं। तो वो खुद क्यों नहीं लड़ लेते, वो खुद लड़ लें चुनाव, दुष्यंत के सामने लड़ लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो तो मैं पर अटके हुए हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आपको और मेरे को एक बात समझनी चाहिए, 17 तारीख के बाद अब चाचा और भतीजों में कोई राजनीतिक मतभेद भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मतभेद तो 17 तारीख को ख़त्म हो गए। उनने अपनी, उनको पार्टी अजय सिंह जी ने सुपुर्द कर दी, हमने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी लड़ाई, वो हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? जब वो हमें इतना कमज़ोर समझते हैं तो वो सारे दिन हमारी चिंता क्यों करते हैं? सारे दिन डवाली हलके के अंदर और हलकों में टेलीफोन करके लोगों को डराने और धमकाने का काम क्यों करते हैं? वो अपनी चिंता करें। उनके पास एक भी लोकसभा का कैंडिडेट है कोई जो जमानत में बचा लेगा? दुष्यंत चौटाला तो जहाँ से खड़ा हो जाएगा लाखों मतों से जीत करके आएगा, आज इतनी पॉपुलरिटी है। तो इसलिए मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो अपनी चिंता करें, अशोक करोड़ा की, रामपाल माजरा सरीखे के लोगों के जो कांग्रेस में जाने वाले हैं उनकी चिंता करें, हमारी ना करें। नहीं, आप अभी, मैं कह रहा हूँ कि अलायंस का तो कोई तुक ही नहीं है। अभी अलायंस, पहले हमारी पार्टी फॉर्म होगी, उसके बाद हम उस पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए मेंबरशिप का कार्यक्रम चलाएंगे पूरे प्रदेश में। अब क्योंकि कैच 22 सिचुएशन है, समय चुनाव में और अब में बहुत कम रह गया है, और अब इन 6 महीनों के अंदर हमने पार्टी को भी खड़ा करना है। प्रत्येक 7,000 गाँव जो है ना, आपकी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की और 10 की 10 लोकसभा और 22 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, इन पे जाके जो हरियाणा के करोड़ों करोड़ों वोटर्स हैं उनसे संपर्क साधना है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि हम अलग क्यों हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।